अमेरिका का बिग बॉस कौन? जी हाँ, इस वक्त जो अभी आंकड़े चल रहे हैं सीएनएन प्रोजेक्शन के हिसाब से, उसमें जो बाइडेन 59 वोट के साथ आगे चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप 42 वोट के साथ पीछे चल रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें, जादुई आंकड़ा जो है 270 का है, 438 का ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है अमेरिका में। अभी अमेरिका का चुनाव बार बार समझने की जरूरत है कि राज्यों में सीटें होती हैं, उनके इलेक्टोरल वोट होते हैं, जो राज्यों के जो वोट होते हैं वो पूरे के पूरे एक तरफ चले जाते हैं। अगर आप उसको हम हिंदुस्तान के हिसाब से समझें तो जैसे यूपी में 80 सीटें होती हैं हमारे यहाँ लोकसभा में, अब ये मानिए कि यूपी में जो इसको ज़्यादा वोट पड़े वो 80 की 80 सीटें एक पार्टी को चली जाएं, बटे नहीं, हमारे यहाँ तो बढ़ जाती हैं कि भाई 50 इसकी 30 इसकी, वहाँ 80 की 80 एक साथ चली जाती हैं, ऐसा होता है वहाँ पर। तो राज्यों की जितनी सीटें हैं वो एक साथ सारी की सारी एक पार्टी को चली जाती हैं, तो एक एक करके राज्य जीतना होता है। और ऐसे करते करते 438 जो कुल इलेक्टोरल वोट हैं उनमें 270 जीतने होते हैं, हर राज्य के इलेक्टोरल वोट होते हैं उसमें 270 जीतने होते हैं। ये 438 कैसे बनते हैं ये एक अलग, बाकी 538 कैसे बनते हैं वो एक अलग उसका हिसाब है। 435 तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के हैं, 100 सेनेट के हैं, 535 हुए, 3 उनके वॉशिंगटन डीसी के हैं, जो उनका आप एनसीआर मान लीजिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे हमारे यहाँ है, वहाँ पर एक जो कैपिटल एरिया है जहाँ राजधानी है वो वॉशिंगटन डीसी, उस डीसी के 3 इलेक्टोरल वोट अलग हैं राज्यों से। कुल मिला के 538 होते हैं, 270 वोटर जो हैं, वोट जो हैं वो जो ले जाता है वो राष्ट्रपति बनता है। अब इसमें जो बाइडेन जो है अभी 59 उनके पक्ष में आ चुके हैं टीएनएन प्रोजेक्शन के हिसाब से, और डोनाल्ड ट्रंप के 42 आ चुके हैं। हमारे साथ शेष नारायण जी जुड़ रहे हैं इलिनॉय से, शिकागो से हमारे साथ अवधंश कुमार जी मौजूद हैं, नीरज हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अवधंश जी एक बार फिर आपके पास जाऊंगा, अभी अभी जो खबरें आ रही हैं उन खबरों में अभी सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है वो फ्लोरिडा की नजर आ रही है। फ्लोरिडा जिसके 29 इलेक्टोरल वोट हैं वो उसमें वहां पर ट्रंप आगे चल रहे हैं, ये झटका बाइडेन के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा उनके जो कहते हैं ना शॉट इन आर्म कहते हैं, वो उनके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो जीतते हैं तो उनके लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है ट्रंप साहब के लिए, क्योंकि 29 सीटें हैं और पिछली बार भी वो जीते थे। बाकी लेकिन, और राज्यों में लेकिन और एक दूसरी खबर ये है कि टेक्सस में जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। हाँ, ये अभी तो शुरुआती रुझान है मेरे ख्याल से, लेकिन अंत में मुझे नहीं लगता कि बाइडेन साहब टेक्सस जीत पाएंगे। ये बात वही बात होगी कि अब ट्रंप साहब कैलिफोर्निया जीत जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टेक्सस जो है, टेक्सस एक ऐसा राज्य है, एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें कि टेक्सस ऐसा राज्य है जो दूसरा, जिसके दूसरे सबसे बड़े ज्यादा सीटें टेक्सस में है, वोट जो है इलेक्टोरल वोट जो है सबसे दूसरे सबसे ज्यादा टेक्सस में है, सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया के 55 है, दूसरे नंबर पर टेक्सस है, टेक्सस में 38 है। और टेक्सस ऐसा राज्य है जो 70 के दशक से 50 साल से कभी उसने डेमोक्रेट कैंडिडेट को वोट नहीं किया, रिपब्लिकन को ही वोट किया है। तो अगर वहां पर जो बाइडेन आगे चल रहे हैं तो जैसा आप जनसी बता रहे हैं वो अभी शुरुआती रुझान है, वहां पे चांस बहुत मुश्किल है कि जो बाइडेन टेक्सस ले जाए। अगर अगर अवतंश जी जो बाइडेन टेक्सस ले जाते हैं तब तो फिर रेस ही खत्म हो जाएगी। या बिल्कुल सही कहा आपने, फिर तो कोई रास्ता नहीं बनता है इतना, क्योंकि 36 जैसा आपने कहा टेक्सस में है, इलेक्ट्रोल सीट्स ले जाएं और फिर 55 जोड़ लें तो ये तो ऐसे ही 80-90 के आसपास सीट हो गए, और बाकी जगहों से और जगह से बाइडेन साहब ले आएंगे तो वो बड़ा मुश्किल होगा उसके बाद। अगर टेक्सस बाइडेन साहब जीत जाते हैं तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब का कोई चांस होगा। जी हाँ, तो टेक्सस के अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्सस से जो अभी ये जो शुरुआती रुझान जो है ये 57% रिपोर्टिंग के रुझान आ रहे हैं, इसका मतलब अभी काफी इंतजार करना पड़ेगा। जबकि फ्लोरिडा से काफी आगे के रुझान आ रहे हैं और फ्लोरिडा में ट्रंप आगे चल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत की बात फ्लोरिडा की ट्रंप के लिए। शेष नारायण जी हमारे साथ बने हुए हैं। शेष नारायण जी, फ्लोरिडा पिछली बार भी ट्रंप ने जीता था, 29 इलेक्टोरल वोट फ्लोरिडा के हैं, ये भी बड़ा राज्य माना जाता है, मतलब सबसे बड़ा कैलिफोर्निया 55 पे,
दूसरे नंबर पर टेक्सस 38 पे, तीसरे नंबर पर फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क आते हैं 29 वोट के साथ। तो फ्लोरिडा अगर ट्रंप आगे चल रहे हैं और फ्लोरिडा अगर वो जीत जाते हैं तो एक बहुत बड़ा उनको एक बूस्ट मिलेगा। जी जी देखिए, पिछली बार भी फ्लोरिडा उनके पास था तो जीत जाते हैं, तो ठीक है उनको जीतना है, लेकिन मेरी नजर गड़ी हुई है ओहायो पे, पेंसिल्वेनिया पे और टेक्सास पे, क्योंकि इन तीन स्टेट्स में पिछली बार वो जीते थे और तीन स्टेट्स में अभी अवतान जी कह रहे हैं टेक्सास तो आप भूल जाइए, आप कह रहे हैं टेक्सास में आपकी नजर गड़ी हुई, मतलब टेक्सास में क्या उलटफेर हो सकता है? तो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। हाँ, तो उस पर मेरी नजर है क्योंकि वहां पे जो डेमोग्राफी है बहुत ज्यादा चेंज हुई है, हालांकि वहां पे मोदी को ले गए थे ये, और वहां पे इंडियन कम्युनिटी सारी जो डेमोक्रेट्स पहले थे, रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स थे, वो भी इनको वोट दे रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन वहां की डेमोग्राफी बहुत चेंज हुई है पिछले तीन चार साल में ही, और वहां पे पेंडेमिक का भी जबरदस्त असर रहा है। तो टेक्सास पे अभी कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, और ओहायो भी जीते थे ये, ओहायो भी बड़ा स्टेट है, और पेंसिल्वेनिया भी जीते थे, हालांकि पेंसिल्वेनिया जो है आमतौर पर नहीं जीतते थे, लेकिन चूंकि पिछली बार जीते थे ये, तो ये तीन बड़े स्टेट जो है मेरी नजर इन पे लगी हुई। नॉर्थ कैरोलिना भी मुझे लगता है इनके हाथ से निकलने ही वाला है, और न्यू हैम्पशायर चार उठे हैं, लेकिन हालांकि वो तो 3000 से जीते थे, तो इसलिए अभी टू अर्ली टू कॉल है। हाँ, फ्लोरिडा बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए जीतना, अगर फ्लोरिडा ये लूज करते हैं देन आई थिंक से बाय, लेकिन फ्लोरिडा में तो लीड आगे है और 90% के करीब वोट भी आ चुके हैं, तो मुझे लगता है 29 वोट उनके तो गए हो। जो अभी जो रुझान ओहायो से आ रहे हैं, ओहायो का आपने जिक्र किया, ओहायो में 18 वोट हैं, 18 हैं, फिर दर्शकों को बता दें कि भाई 18 वोट मतलब जो ओहायो जीता वो 18 के 18 उसके हो जाएंगे, तो 18 वोट जो हैं वहां पर अभी जो शुरुआती रुझान है उनमें जो बाइडेन आगे चल रहे हैं और मार्जिन जो है वो काफी है, अभी जो रिपोर्टिंग हो रही है वो 59% वोटों की रिपोर्टिंग हो रही है, उनमें 52 पर जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप 46 पर, तो काफी मार्जिन है। अवतंस जी, ओहायो को अभी तो ये डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, लेकिन ओहायो में बढ़त जो है वो अच्छी खासी दिख रही है जो बाइडेन। हाँ बिल्कुल साहब, सही कहा आपने, पिछली बार ओहायो जीते थे और ये बैटल ग्राउंड स्टेट है और काफ़ी जिसको ब्लू कॉलर स्टेट कहते हैं, और पिछली बार वहाँ जीतने का कारण ट्रंप साहब का ये था कि वहाँ काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कार वगैरह की यूनिट्स है, तो वहाँ पे जो ट्रंप साहब की इकोनॉमिक नीति थी उससे उन लोगों को काफ़ी आशा बंधी थी। अब हो सकता है कि उसका कोई खास असर नहीं दिखा उन लोगों को और वो शायद पलट रहे हों, ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा, अभी काफ़ी शुरुआती रुझान है, अभी ऑलमोस्ट 40% वोट्स आने बाकी हैं, और जैसा कि माना जाता है यहाँ डेमोक्रेट्स लोग अर्ली वोटिंग ज़्यादा करते हैं, और इस क्या कहते हैं कि इन पर्सन वोटिंग के दिन रिपब्लिकन लोग ज्यादा आते हैं, तो देखिए उनका क्या होता है। जी नीरज, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं? किशोर, सबसे पहली बात ओहायो की बात हो रही थी, ओहायो को लेकर एक बात आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी ऐसा रिपब्लिकन उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता अमेरिका में जिसने ओहायो नहीं जीता, तो ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होगा। फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना में वो आगे चल रहे हैं, कई छोटे छोटे राज्य दोनों उम्मीदवार जीत चुके हैं, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना और फ्लोरिडा में ट्रंप आगे चल रहे हैं, लेकिन ओहायो में पीछे चल रहे हैं, और ये रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी अगर ओहायो हारते, क्योंकि पिछली बार जीते थे और ओहायो जो जीता है रिपब्लिकन पार्टी का, अब तक कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बना जिसने बिना ओहायो जीते राष्ट्रपति बना है, तो ये उनके लिए एक प्रतीकात्मक महत्व है, और ओहायो में इस समय ट्रंप पीछे चल रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया केंटुकी हुआ, इंडियाना हुआ, ओक्लाहोमा हुआ, तमाम ये राज्य ट्रंप जीत चुके हैं, और कई छोटे राज्य जो बाइडेन भी जीत चुके हैं, और इनकी संख्या अभी जो बाइडेन भले ही आगे हो लेकिन कुछ ऐसे राज्य टेक्सास का जैसा भी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था। ये अपने आप में बड़ी बात कि ओहायो में वो पीछे चले, लेकिन ये जो बात कही ना अवतंस जी ने कि शुरुआती रुझान में डेमोक्रेट क्यों आगे होते हैं, शुरुआती रुझान में डेमोक्रेट इसलिए आगे होते हैं कि मतदान वाले दिन ऐसा माना जाता है अमेरिका में, और ऐसा इतिहास रहा है कि मतदान वाले दिन जो वोट देने जाते हैं उनमें रिपब्लिकन ज्यादा होते हैं, मतदान वाले दिन से पहले जो वोट आ जाते हैं, वो ज्यादा डेमोक्रेट रहे हैं, ऐसा 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 एक आकलन रहता है। अब ये हमारे लोग देश में समझने की जरूरत है कि मतदान से पहले कौन से वोट आ जाते हैं, भाई हमारे यहाँ तो पोस्टल बैलेट आते हैं ना, वहां पर भी आते हैं पोस्टल बैलेट, लेकिन वहां बहुत बड़ी तादाद में आ गए हैं इस बार,
और वहां पर इन पर्सन वोटिंग भी हो जाती है, मतलब मतदान से पहले भी कई बार कई कई राज्यों में बूथ खुल जाते हैं और वहां जाके आप वोट डाल सकते हैं कि मतलब मतदान का दिन तो 3 नवंबर का है लेकिन उससे पहले ही आप एक हफ्ता पहले जाके वोट डाला है, ये वोट ये होता है वहां पर। और ये इतनी बड़ी तादाद में हुआ है कि आपको एक आंकड़ा बताएं कि लगभग 25 करोड़ वोटर हैं अमेरिका में, मोटे तौर पर अगर माने तो 25 करोड़ वोटर हैं, उनमें कुल जो वोट देने वाले हैं उनमें से जितना वोटिंग परसेंटेज रहता है उस हिसाब से एक अनुमान है कि 15 करोड़ वोट डाले जाएंगे। जो 15 करोड़ वोट डाले जाएंगे उनमें 10 करोड़ पहले ही डाले जा चुके हैं, 6.5 करोड़ मेल इन बैलेट से, 3.5 करोड़ इन पर्सन वोटिंग पहले जो हो चुकी है एडवांस में वो 10 करोड़ हो ही चुकी है। मतदान वाले दिन 3 तारीख को बस 5 ही करोड़ रहती है और ये रिपब्लिकन ज्यादा होते हैं ऐसा भी माना जाता है, तो इसलिए जो शुरुआती रुझान होते हैं उन पे बहुत ज्यादा इस तरह से रिलाय नहीं किया जाता क्योंकि पहले भी रेसेस में देखा गया है कि वो काफी मामला पलट जाता है। पुष्पेश जी ये थोड़ा समझाएं हम अपने लोगों को, जो मैं कह रहा हूं पहली बात तो वो सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल और उलझी हुई है और उसमें निर्णायक मंडल के जो मतदाता हैं उनका चुनाव जिस तरह से होता है उसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि पहले से व्यक्तिगत रूप से भी आदमी मतदान कर सकता है, हमारे यहाँ डाक से मत देने का अधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त है, वहाँ हम सब इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं और इस वर्ष कोविड के कारण जितनी बड़े मात्रा में ये मतदान हुआ है आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि बहुत बड़े 10 करोड़ 10.5 करोड़ मत तो पड़ चुके हैं, तो अब ये मानकर हम नहीं चल सकते कि सारे के सारे डेमोक्रेट हैं और यदि 5 करोड़ पड़ेंगे तो उनका वितरण अमेरिका के अलग अलग राज्यों में किस तरह होगा। यदि डेमोक्रेटिक मतदाताओं ने उन्हीं राज्यों में मतदान पेशगी किया है जहां उनका पहले से प्रभुत्व था, उनका लोकप्रिय मतदान उनके पक्ष में बाइडेन के पक्ष में होता था, तो कोई खास फर्क इससे पड़ने वाला इन प्रारंभिक रुझानों से बाद में नहीं है। और ये 5 करोड़ मतदाताओं में से अधिकांश वो हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के, जैसे आपने कहा, अमेरिका के स्वभाव और संस्कार को देखते हुए वो उन राज्यों में मतदान करते हैं जहां कांटे की लड़ाई थी और कुछ ही मतों के अंतर से हार जीत उस राज्य में तय हो सकती थी, तो ऐसे में बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा और पासा कभी भी पलट सकता है। लगभग अंत तक ये हो सकता है कि कोई आदमी 265 पर पहुंच जाए वहां अटक जाए, ये संभव है। हमारे साथ अब न्यूयॉर्क चलते हैं। न्यूयॉर्क एक ऐसा राज्य है जो परंपरा के हिसाब से डेमोक्रेट रहा है, वहां जो बाइडेन को जीतना चाहिए ऐसा माना जा रहा है हर बार। वहां न्यूयॉर्क राज्य से एक न्यूयॉर्क शहर है जैसे हम जानते हैं न्यूयॉर्क सिटी, और एक न्यूयॉर्क राज्य है जो इसमें न्यूयॉर्क सिटी है, वो न्यूयॉर्क राज्य जो है बड़ा राज्य है, 29 उसके भी इलेक्टर हैं, वहां से जो बाइडेन को ये 29 मिल सकते हैं, हर बार डेमोक्रेट को ही मिले हैं। वहां से हमारे साथ पावनी मित्तल जुड़ रही हैं। पावनी, माहौल क्या है वहां पर इस वक्त? फैसले की घड़ी एकदम आ चुकी है। मैं हूँ यहाँ न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में, जहाँ अगर आप देखें ज़्यादा प्रेस वाले हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं क्योंकि अभी COVID-19 के वजह से ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं न्यूयॉर्क में, लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क में काफ़ी नर्वसनेस है, काफ़ी एक्साइटमेंट है, बहुत ही टाइट रेस है। अभी अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क एक ब्लू स्टेट है, डेमोक्रेट स्टेट है, वो स्विंग स्टेट नहीं है, तो डिसीजन यहाँ पर यू नो स्टेट जैसे ओहायो है, फ्लोरिडा है, पेंसिल्वेनिया है, यहाँ पर लड़ी जाएगी मेन प्रेसिडेंशियल रेस की लड़ाई। पर अगर आप मेरे पीछे देखें तो काफी दुकानों के सामने आपने आप बोर्ड्स देखेंगे और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डर है कि इलेक्शन जो इतना टाइट है, इतना चार्ज इलेक्शन है, उसके वजह से कोई अनरेस्ट ना हो, वायलेंस ना हो, तो न्यूयॉर्क में अभी नर्वसनेस भी है और बहुत सारी एंजाइटी भी है और हमें पता नहीं रिजल्ट शायद आज रात को पता चले, कल पता चले या अगर ये कोर्ट तक जाए। तो जैसा पावनी ने बताया कि न्यूयॉर्क में तो ये माना जा रहा है कि वो जो बाइडेन को जाएगा न्यूयॉर्क, लेकिन थोड़ा डर है लोगों में कि भाई ये रिजल्ट अगर नहीं आया, अगर एक तरफ एक जगह फैसला नहीं हुआ तो कहीं हिंसा ना हो जाए, कहीं माहौल बिगड़ ना जाए, वही हम जानना चाह रहे थे। आपको वहां पर क्या खबरें आ रही है अमदंस जी शिकागो में? शिकागो में तो पिछले कुछ महीनों से शिकागो में हिंसा का माहौल बिल्कुल बना हुआ है। हर हफ्ते 50-60 शूटिंग की घटनाएं होती है, 8-10 लोग मारे जाते हैं। पिछला अक्टूबर और अगस्त का महीना में रिकॉर्ड हिंसा की घटनाएं हुई शिकागो में, खास तौर से जब जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद
वहाँ माहौल और भी खराब हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है और जो मेयर हैं उन्होंने पुलिस का हाथ बिल्कुल बांध लिया है, उनको कुछ करने की इजाज़त नहीं है, ज़्यादा जिसको कहते हैं बल प्रयोग करने की इजाज़त नहीं है। उस हिसाब से काफ़ी डर का माहौल है, हिंसा की घटनाएं अक्सर होती हैं, पूरा शहर बोर्डेड है, जितने भी दुकानें हैं उनके सामने बोर्ड लगा हुआ है, वो प्लाईवुड का बोर्ड लगा हुआ है जिससे कि उनके कांच न टूटे। काफ़ी वहाँ दुकान में लूट पाट की भी घटनाएं हुई थी, लुई भटान ऐसे दुकानों में से लोग लूट के ले जा रहे थे सामान, तो इसका डर है। और इसके पीछे कारण है BLM का तो था शुरुआत में, ब्लैक लाइव्स मैटर का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसकी वजह से कुछ घटनाएं हुई, बाद में ये सब घटना ये इसको हाइजैक कर लिया यहाँ जो अल्ट्रा रेडिकल लेफ्टिस्ट एंटीफा ग्रुप ने, और उनका तो काफ़ी चल रहा है बहुत सारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में चल रहा है, सियाटल का देख लीजिए, पोर्टलैंड का देख लीजिए, शिकागो का देख लीजिए, न्यूयॉर्क में देख लीजिए, हर जगह ऐसी घटनाएं चल रही हैं। जी हाँ, तो ये अपने आप में ये खबरें यहाँ पर भी पहुँच रही हैं शेष जी की, हिंसा की आशंका बन जाती है अगर मामला कहीं अटक जाता है राज्यों में। शेष जी नहीं वहाँ बंदूकें इतनी खरीदी गई पिछले दौर में, और जो ट्रंप ने एक दिन कह दिया था कि अगर रिजल्ट्स के बाद बेडलम होगा तो वो काफी कुछ, दूसरा उन्होंने कहा कि हम मुकदमा जरूर करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, तो जो तमाम चीजें जो अनडेमोक्रेटिक है, जो ट्रेडिशनली अमेरिका में नहीं कही जाती वो चूंकि कहते रहे हैं, इसलिए तमाम लोगों ने बताया। उन्होंने शिकागो शहर में तो खैर बहुत ज्यादा हिंसा का रिकॉर्ड है, DC में तक में, वाशिंगटन DC में लोगों ने दुकानें बंद रखी हैं और प्लाईवुड लगा रखा है, न्यूयॉर्क शहर में लोगों ने दुकानें बंद रखी हैं। तो सुखद वहां अमेरिका में अगर यह है कि अगर ये हार गए ट्रंप को, माननीय ट्रंप जी, तो फिर वहां लोगों में दहशत तो है क्योंकि वो उस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत अर्ली टू अर्ली, अभी मैं टेक्सास की बात में कर रहा था, जब तक हम बात कर रहे थे तब ट्रंप वहां आगे हो गए, तो ट्रंप पिछली बार जीते थे ट्रंप को उसको, अब फ्लोरिडा को अपना होम स्टेट मानते हैं तो फ्लोरिडा भी जीतेंगे ही जीतेंगे, पिछली बार भी जीते थे, दोनों बार जीते थे, असली फ्लोरिडा में अभी बहुत कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन धीरे धीरे ट्रंप जो है थोड़ी बढ़त बना रहे हैं फ्लोरिडा में, 29 वोट हैं फ्लोरिडा के, और अगर फ्लोरिडा जीतते हैं तो ये 29 के 29 उनके झोली में चले जाएंगे ट्रंप के, एक बड़ा बूस्ट उनको मिल सकता है। लेकिन बड़ा झटका अगर लगा टेक्सास में तो पूरा खेल ही बिगड़ सकता है, पूरा खेल ही बिगड़ सकता है ट्रंप का, अगर टेक्सास जैसे राज्य में जहां कभी 50 साल में कोई रिपब्लिकन नहीं जीता, वो 38 वोट जो हैं वो अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं ले पाते हैं और जो बाइडेन ले जाते हैं। पुष्पेश जी नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले कह रहा था, मुझे जब तक 250 का आंकड़ा स्पष्टता पार नहीं होता और तब तक किसी एक उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार के बीच की दूरी इतनी नहीं बढ़ जाती जिसे छोटे राज्यों के दो दो चार चार से पूरा करना असंभव हो जाता है, तब तक किसी की जीत को भी तय करना कठिन है। मान लीजिए फ्लोरिडा के 29 वोट सीधे सीधे ट्रंप को मिल जाते हैं, कैलिफोर्निया के लगभग इतने वोट बाइडेन को मिल जाते हैं, तो स्थिति वही बनी रहेगी, तो ये स्थिति एक कदम आगे एक कदम पीछे वाली चलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि बढ़त पर नजर रखना हिंदुस्तान में मायने रखता है, जहाँ की निर्वाचन प्रणाली लोकसभा की बिल्कुल फर्क है, और जहाँ की राष्ट्रपति प्रणाली हमारे यहाँ की सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाली है वो भी बिल्कुल अलग है, मगर अमेरिका में तो बिल्कुल वो स्थिति है कि जो जीता वही सिकंदर हर राज्य में, और यदि कांटे में कोई बिना फैसले के मतदान होता है तो फिर राज्यों की विधानसभाएं वहां की संसद ही तय करेगी कि ये राज्य के मत किसके पक्ष में जाएंगे, तो इसमें फिर राजनीतिक दलगत पक्षधरता आती है। और जैसा बिल्कुल अभी पहले हमारे मित्र कह रहे थे कि ट्रंप ने अपने पूरे चुनाव अभियान में इस तरह के अजतांत्रिक वक्तव्य दिए हैं, और वो जिस तरह की अमेरिका में लोगों को भी आदत है कि उनका जन्मसिद्ध बुनियादी अधिकार है हथियार धारण करना, द राइट टू बियर आर्म्स, और बंदूकें खरीदना, तो हिंसा का भड़कना, चुनाव से क्या बातें तय हो जाएंगी। और जितने बड़े पैमाने पर अमेरिका नस्लवादी हिंसा का मुकाबला करता रहा है, जो ट्रंप के चुनाव अभियान में एक बड़ा मुद्दा व्यवस्था और कानून का रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का, उस सबको देखते हुए लूटपाट की घटनाएं, अमेरिका दो फाड़ बटा हुआ है इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, ट्रंप जीते कि बाइडेन जीते, मतदाता वहां का अमेरिका का बिल्कुल दो धड़ों में बटा हुआ है, और दोनों के ही तेवर उग्र हैं, और मुझे लगता नहीं कि इससे निजात अमेरिका निकट भविष्य में पाएगा। तो ये चुनाव ये फैसला जरूर कर देगी कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, मगर जो अमेरिका का मानस बटा हुआ है उसमें मलहम लगाना तत्काल संभव नहीं है।
जी हाँ, तो खैर वो तो ये सब हम तब की बात कर रहे हैं जब क्लियर विनर नहीं आएगा, और जो पुष्पे जी कह रहे हैं जब तक 250 तक नहीं पहुंचता कोई तब तक वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वहां पर देखा गया है कि एल गोर का चुनाव तो हमें याद ही होगा, एल गोर ने बिल्कुल हार मान ली थी, लेकिन उसके बाद फिर वो अदालत चले गए कि ऐसा ऐसा पूरा क्लोज मामला चला गया था। अब्तांश जी ये बताइए कि इसमें छोटे राज्यों में हम देख रहे हैं कि वो उसी उन्हीं दिशाओं में जा रहे हैं जैसा पहले माना जा रहा था, लेकिन उनमें भी क्या कुछ ऐसा है जहां इधर उधर हो सकता है मामला और जो ट्रेडिशनल वोटर रहा है वो पलट रहा हो? ऐसा मुझे संभव नहीं लगता है। जैसे दो चार छोटे छोटे राज्यों की बात जो मैंने पहले कही थी, जैसे विस्कॉन्सिन है, विस्कॉन्सिन पिछले बार ट्रंप साहब बहुत थोड़े से मतों से जीते थे। अच्छा, वो ट्रेडिशनली बहुत ही डेमोक्रेटिक स्टेट रहा है, और हिलरी क्लिंटन इतनी ज्यादा आश्वस्त थी कि वो वहां तो प्रचार करने गए ही नहीं पूरे चुनाव के दौरान, लेकिन ट्रंप साहब वहां जीत गए। अब बात यह है कि अभी वहां राज्य की सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक है, जनता अब क्या चाहती है ये कहना बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए उसको टॉसअप स्टेट में कहा गया है। अब अगर ट्रंप साहब को वो भी जीतना पड़ेगा। मिशिगन है, मिशिगन तो बहुत ही थोड़े हजार वोटों से शायद जीते थे ट्रंप साहब पिछली बार, और वो बहुत बड़ा, जैसा आप सबको मालूम है कि मोटर का ये कैपिटल कहा जाता है, यू नो ऑटोमोबाइल कैपिटल कहा जाता है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत लॉस हुई है, उसके लिए यू नो सीधा जिम्मेदार ट्रंप साहब को तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने वादा किया था कि मैं जॉब्स वापस लाऊंगा, कितने जॉब्स वापस आए ये सोचना पड़ेगा, और लोग ये देख रहे हैं कि उन्होंने जो वायदा किया था वो पूरे हुए कि नहीं, उस हिसाब से लोग वोट करते हैं। दूसरी बात, एक बात और भी ध्यान देनी होगी, वहाँ पे मिडल ईस्ट के बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ रहते हैं, उनको उनका वोट तो ट्रंप साहब को नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको मालूम होगा जो यहाँ लोग कहते हैं वो मुस्लिम बैन लगाया वो लगाया, उस हिसाब से तो उनको मिलने वाला नहीं। तो अगर उनको जीतना है तो मिशिगन में भी जीतना पड़ेगा, उन मिशिगन में 16 सीटें हैं। आयोवा में अभी कुछ दिन पहले तक माहौल ये था कि बाइडन साहब वहाँ जीत रहे थे, लेकिन अभी दो दिन पहले वहाँ से फिर पोल आया तो उसमें ट्रंप साहब जीत रहे हैं, तो देखिए इसमें अब क्या होता है। बाकी सब छोटे-छोटे राज्यों की इसलिए बात कर रहे हैं। अच्छा, एक तो फिर हम एक बार फिर दर्शकों को बता दें, यहाँ पर नक्शे पर ही देख लेते हैं अमेरिका के कि ये जो चुनाव है ये कैसे देखा जाना है। देखिए, 270 का जादुई आंकड़ा क्या चीज़ है? ये इलेक्टोरल कॉलेज है, ये इलेक्टर चुने जाते हैं हर राज्य की तरफ से, हर राज्य बोलता है हमारे इलेक्टर ये रहे, और राज्य के पूरे इलेक्टर एक ही पार्टी को चले जाते हैं। फिर जैसे बता रहे हैं आपको कि 48, जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, अब वो ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी को इतनी मिली, दूसरे को इतनी मिली, तीसरे को इतनी मिली, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ महाराष्ट्र जैसा अगर कोई राज्य हो और वहाँ पर कोई जो ज़्यादा वोट जीता वो 48 के 48 उसको चले जाएंगे, यूपी के 80 के 80 उसको चले, एक पार्टी को चले जाएंगे, ऐसा सिस्टम है वहाँ। तो उस पूरे सिस्टम में 538 में 270 का आंकड़ा छूना। अब इनमें दो राज्य ज़रूर अलग हैं, नेब्रास्का और मेन, वहाँ पर इलेक्टोर डिवाइड भी हो जाते हैं, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि सारे एक ही पार्टी को जाएं, लेकिन वो उनको आप एक्सेप्शन मान लीजिए। इस तरीके से 270 के आंकड़े पर पहुँचना है, तो इसलिए एक एक करके राज्य जीतने होते हैं, और राज्यों में हर राज्य में अलग अलग इलेक्ट अलग अलग वोट हैं, अलग अलग सीटें हैं एक तरह से। तो बड़े राज्य एक बार बता दें आपको, सबसे बड़ा राज्य कैलिफोर्निया पश्चिमी तट पर, इसमें 55 इलेक्टर हैं। टेक्सास दूसरे नंबर पर, इसमें 38 इलेक्टर हैं। कैलिफोर्निया माना जाता है कि डेमोक्रेट ही जीतते हैं, यानी इस बार डेमोक्रेट जो बाइडन है और ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन है, तो इस बार डेमोक्रेट उनके चैलेंजर जो हैं जो बाइडन है, तो कैलिफोर्निया ये माना जाता है वो डेमोक्रेट को जाता है, तो 55 उनके वहाँ मिल जाते हैं। टेक्सास जो है वो माना जाता है कि हमेशा रिपब्लिकन को जाता है, वो 38 हैं। तीसरे नंबर पर फ्लोरिडा है, जिसकी अभी हम लगातार बात कर रहे हैं कि वो अगर ट्रंप जीते तो उनको एक बूस्ट मिलेगा, पिछली बार भी वो जीते थे। फ्लोरिडा जो है उसमें 29 हैं, न्यूयॉर्क जो है उसमें 29 है, ये दोनों पूर्वी तट पर हैं, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा। तो ये चार बड़े राज्य हैं, इसके बाद फिर 20 सीटों के राज्य हैं, जैसे कि इलिनॉय है, यहाँ पर डेमोक्रेट्स माना जाता है कि ये बढ़त बना सकते हैं।
विस्कॉन्सिन जो है ये भी इलिनॉय के बगल का राज्य जिनकी वो बात कर रहे थे, वहां की 10 सीटें हैं। इस तरीके से 55, 38, 29, 20 और फिर 20 से कम के राज्य। तो कैलिफोर्निया 55, जो जीता कैलिफोर्निया वो 55 ले जाएगा। टेक्सस 38, जो जीता टेक्सस वो 38 ले जाएगा। फ्लोरिडा 29, जो जीता फ्लोरिडा वो 29 के 29 ले जाएगा। न्यूयॉर्क भी 29, जो जीता 29, जो न्यूयॉर्क जीता वो 29 के 29 ले जाएगा। तो ये चार बड़े और उसके बाद फिर 20, 10, 5 के कई राज्य हैं, कुल मिला के 50 राज्य और एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो उनका एनसीआर है, एक तरह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे हमारे यहाँ है वैसे वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, उसके 3 इलेक्टर हैं। कुल मिलाकर 538 हो जाते हैं, 270 इसमें जीतने हैं। अभी का आंकड़ा सीएनएन प्रोजेक्शन में 80 का जो बाइडेन की तरफ और डोनाल्ड ट्रंप का 51 का चल रहा है, लेकिन ये अभी शुरुआती है। जैसा पुष्पेश जी ने कहा कि 250 के आंकड़े तक जब तक नहीं पहुंचता कोई तब तक कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक राज्य अगर कोई ले जाता है तो फिर बहुत सारे के सारे उसके उसके हाथ में चले जाते हैं ना। आप सोचिए कोई भी आंकड़ा चल रहा हो, ये अभी जैसे चल रहा है 80 और 51 का, इसमें जैसे ही फ्लोरिडा का रिजल्ट आएगा 29 एक तरफ हो जाएंगे। पुष्पेश जी ये बताइए कि अब ये तो हुई इनके इनकी प्रक्रिया की बात और हम कह रहे हैं कि 250 जो तो नहीं पहुंचा जब तक कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें कई राज्य हमने पिछले चुनावों में देखे, पिछले कुछ चुनावों में, कि बिल्कुल लास्ट तक एक एक हजार वोट से इधर उधर हो जाते हैं और वो तब तक मामला अटका रहता है। उन वैसी अगर स्थिति इस बार आती है जिसमें कहा जा रहा है कि मेल इन बैलेट बहुत ज्यादा हुए हैं, पोस्ट से डाक से लोगों ने बहुत वोट दिया है, तो उनकी गिनती हफ्तों तक जाएगी, वो स्थिति बन सकती है? देखिए बनने को तो कोई भी स्थिति बन सकती है, मगर मुझे लगता नहीं कि ऐसी स्थिति होगी। मुझे लगता है कि ये स्थिति बड़े राज्यों के मतदान की गणना शायद 1-2 दिन का समय उसमें लग सकता है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो 8 दिसंबर 14 दिसंबर वाली स्थिति आएगी कि फिर एक बैठक सीनेट को करनी पड़े या राज्यों की विधानसभा को करनी पड़े। हो सकता है ये मामला न्यायपालिका के सामने जाए मतों की गणना को लेकर या किसी और संवैधानिक अड़चन के कारण, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्थिति ऐसी बनेगी कि जिसकी स्थिति फंसी रहे। अब ये अच्छा, इसमें और भी चीजें हैं जो हमारे देश में समझने की जरूरत है लोगों को, कि वहां कोई एक कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है, कोई पूरे देश का कोई एक चुनाव आयोग नहीं है जो तय करेगा कि भैया अब ये जीता। हर राज्य बता देगा हमारे इलेक्टर इतने, उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज है। तो एक तो वहां कोई इस तरह का चुनाव आयोग नहीं है जैसे हमारे यहाँ होता है। दूसरी बात, अगर अदालत में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो वो बताया जा रहा है कि वो इस तरह से बटे हुए हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ को फेवर कर सकते हैं, ये भी एक डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी का जो व्यू पॉइंट है उसको फेवर कर सकते हैं। इस तरह से वहां पे जज जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इस तरह से बटे हुए हैं। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं, अगर मामला अदालत में जाता है तो जो जाने की स्थिति तब आएगी जब अगर सब कुछ अटकता रह गया कुछ राज्यों में। अभी का आंकड़ा 89 और 54 का, 89 और 54 270 तक पहुंचना है, याद रखिए। ब्रेक ले रहे हैं।